हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मेरा वेट लॉस अपडेट। और आज इस रूम में बैठ करके वेट लॉस या वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज एक रूम में मेरा बेटा सो रहा है, एक रूम में हस्बैंड की कॉल चल रही है, तो बचा हॉल। हॉल में ही नीचे बैठ गई। मैंने कहा यार अब और डिले नहीं कर सकते लोकेशन के चक्कर पे। मैंने आप लोगों के साथ में मेरा लास्ट वेट लॉस अपडेट 6 दिसंबर को शेयर किया था। तब मेरा वेट अराउंड 76 था आई गेस। और मुझे एक्चुअली वो वेट लॉस अपडेट शेयर करते टाइम माइंड में एक डर था, बिकॉज वो ईयर एंड आ रहा था जिसमें मेरे फैमिली वाले आ रहे थे। तो मुझे ये था कि यार ईयर एंड में तो बहुत खाना पीना है और वेट लॉस की बैंड बच जानी है। एंड मैंने किया भी वैसा ही। मैंने जैसे ही जो ईयर एंड आया, क्रिसमस और न्यू ईयर्स के हॉलीडेज आए, जब सब लोग आए, तब मैंने खूब खाया बाहर का। मतलब ऐसे पिज्ज़ा बर्गर काइंड ऑफ बाहर का नहीं खाया, बट घर पर बनाकर पिज्ज़ा बर्गर भी खाया। एंड पैक्ड फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने खूब पी। एंड जब मैं वो खा रही थी तब मुझे बहुत टेंशन भी था कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा वेट बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। और मैंने उस बीच अपना वेट मेजर भी नहीं किया था, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी वो एक हफ्ते। लेकिन टू माय सरप्राइज मेरा वेट सिर्फ 300 ग्राम्स बढ़ा था उस टाइम पे, उस एक हफ्ते में। और वो मैंने विद इन अ वीक कवर कर लिया। जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो 76 पॉइंट समथिंग का मेरा वेट, और अभी मेरा वेट जो है वो है 72। एंड आई एम सो हैप्पी। मैं एक बात बताऊँ, मैं वेट लॉस अपडेट शेयर तो कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या शेयर करना है इसमें। मुझे आप लोग बहुत मैसेजेस करते हो, हर वीडियो में रहते हैं, हर इंस्टा पोस्ट पर ये कमेंट रहता है कि आप वेट लॉस अपडेट दो। तो अपडेट तो दे दिया मैंने कि चलो मेरा अभी 72 केजी हुआ है, बट इसके अलावा मैं और क्या शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ शेयर कर चुकी हूँ आई थिंक, कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग में मेरा दिन शुरू करती हूँ नॉर्मल गर्म पानी से, कभी उसमें नींबू पानी डाल लिया, कभी जीरा वाटर पी लेती हूँ, कभी ये अपना सौंफ का पानी पी लेती हूँ, कभी सौंफ और इलायची का पानी पी लेती हूँ। तो ये डिपेंड करता है, किसी दिन सिर्फ नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, वीकेंड्स के दिन जिस दिन लेट हो जाता है उस दिन। तो दिन की शुरुआत ऐसे करती हूँ, मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाती हूँ भीगे हुए, फिर नॉर्मल नाश्ता घर का बना हुआ सिंपल सा, लंच भी सिंपल सा, एंड बस डिनर में मैं कुछ लिक्विड ही लेती हूँ, या तो वो मखाने की खीर हो गई विदाउट शुगर, या तो वो कोई से सूप हो गए, मतलब ऐसे सिंपल तो लिक्विड ही चीज़, या तो दाल हो गई बिना तड़के की, ये सारी चीज़ें मैं डिनर में लेती हूँ। एंड मुझसे एक्चुअली किसी ने पूछा था कि ये वाला मेरा वेट लॉस जर्नी मेरे प्रीवियस वेट लॉस जर्नी से डिफरेंट कैसे है। तो मेरी जो प्रीवियस वेट लॉस जर्नी थी उसमें मैं रात में खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी, सिर्फ दूध पीती थी, बट इस टाइम मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज मेरा बेबी है 9 मंथ का और वो फीड करता है अभी भी, तो मैं खाना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं रात में लिक्विड डाइट लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रहती हूँ। एंड हाँ, इस बार की वेट लॉस जर्नी में मैं कैलोरीज पे ध्यान दे रही हूँ। लास्ट टाइम वाली वेट लॉस जर्नी में मैं कैलोरीज पे ध्यान नहीं देती थी, मैं सिर्फ हेल्दी ईटिंग पे ध्यान देती थी, लेकिन इस टाइम पर मैं हेल्दी ईटिंग तो देखती हूँ साथ ही साथ कैलोरीज पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं गेहूं की रोटी रोज ना खाने की जगह मैं किस दिन ओट्स की रोटी खा लूँ, किस दिन रागी की रोटी खा लूँ, किसी दिन ये जो हमारा ज्वार वगैरह होता है इन सब की रोटी खा लूँ, किस दिन मैं ब्रान की रोटी खा लूँ, ताकि जो नॉर्मल रोटी के कंपेरिजन में इन रोटीज की जो कैलोरीज होती है वो कम होती है। तो इस तरीके से मैं कैलोरी पर भी, अगर आपको ये सब प्रॉपर देखना है ना, तो यार आप मुझे ना इंडिविजुअल कमेंट करके बताओ कि प्रीति जैसे तुमने ये बोला तो इस पर एक वीडियो बनाओ, इस पर एक वीडियो बनाओ, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वेट लॉस को लेकर के क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वेट लॉस करना है और जो मुझे कमेंट करते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूं, कि कैसे हेल्प करूं। मैं सब तो शेयर कर रही हूं मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में प्लीज स्पेसिफिकली लिख दें कि आपको जैसे कि तुमने ये बोला तो इसके बारे में बताओ, मॉर्निंग में जो तुम ये ले रहे हो ये कैसे बनाते हो तो उसका एक वीडियो हो जाएगा, या सूप की रेसिपी का वीडियो दे दो तो उसका एक वीडियो हो जाएगा, या फिर कैसे हम कैलोरी काउंट कर सकते हैं उसका एक वीडियो, या फिर कैसे हम कैलोरी बैलेंस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हाई कैलोरी वाली चीज़ को लो कैलोरी, ये सब मुझे आप अगर कमेंट करोगे ना तो मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ धीरे धीरे लाऊंगी। वो भी सब एक ही बार नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यार अभी वीडियो शूट करने में और शेयर करने में, बिकॉज बच्चे के साथ में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, बट मुझे अब करना है बिकॉज
इट्स हाई टाइम, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बताना, सो मैं हेल्प करूंगी। सो बस यही चीजें हैं जो कि इस बार मैं अपने वेट लॉस जर्नी में ध्यान रख रही हूँ। हाँ, लास्ट टाइम की जो वेट लॉस जर्नी थी उसमें मैं डेडिकेटेड मॉर्निंग में भी वॉक करती थी अराउंड 40 to 50 मिनट, और इवनिंग में भी वॉक करती थी अराउंड 40, 50, 1 आवर इस टाइप से। बट इस बार की वेट लॉस जर्नी में मुझे मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो जब मुझे टाइम दे दे तब मैं वॉक करती हूँ। मॉर्निंग वॉक तो मेरी होती है नहीं। हाँ, बिफोर ब्रेकफास्ट मैं घर पे चल लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि घर पे की हुई वॉक उतनी काउंट नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है वो काउंट होती है। मुझे उससे फर्क पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ किया। वो जो नंबर दिखते हैं ना मुझे वॉक स्टेप के, वो मुझे काफी पॉजिटिविटी देते हैं, तो उसकी वजह से मैं और मोटिवेटेड रहती हूँ। तो मैं तो घर पर ही चल लेती हूँ, कई बार मैं कॉरिडोर में चल लेती हूँ जब वो सोता है, तो मेरा बच्चा जब सोता है तो इवनिंग में उसको लेकर के गोदी में जाके वॉक कर लेती हूँ। किसी दिन लकी रही मैं और वो सो गया, और हस्बैंड भी अगर घर पर ही है तो मैं थोड़ी फ्रीली नीचे वॉक कर लेती हूँ। तो वॉकिंग मेरी, मैं ऑफकोर्स दिन भर एक्टिव रहने की, दिन भर चलते रहने की कोशिश करती हूँ, बट वो सब मेरे बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कब अलाउ कर रहा है। सो उतनी अच्छी वॉक नहीं हो पा रही मेरी जैसी मेरी पहले वाले उसमें होती थी, एंड तभी मेरा जो वेट लॉस का जो स्पीड है ना वो थोड़ा कम है मेरे लास्ट वेट लॉस जर्नी के कंपैरिजन में। बट कोई बात नहीं, मैं हैप्पी हूँ। सो ये था मेरा ये वीडियो अबाउट माय वेट लॉस अपडेट, एंड मुझे नहीं पता इसमें मैं और क्या ऐड करूँ। सिर्फ कम ना खाएं, कम खाने के साथ साथ मतलब हेल्दी डाइट वाला फूड या फिर हेल्दी क्लीन ईटिंग के साथ साथ आप अपनी डाइट में ना ये जो सैलड्स हो गए, जैसे बीट रूट हो गया, कुकुम्बर हो गया, और ये अपना टमेटोज हो गए, ये सारे ऐड भी करें आप साथ साथ में। फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये भी ऐड करें आप, तब आपका जो वेट लॉस की स्पीड है ना वो बढ़ेगी एज कम्पेयर टू सिर्फ कम खाने से, मतलब सिर्फ कम और अच्छा खाने से। तो समझ रहे होंगे आई थिंक आप मेरी बात। तो ये भी करके देखना, काफी मजा आएगा आपको। सो अच्छा लगेगा वेट लॉस करके, काफी अच्छा लगता है जब आपको पुराने कपड़े होने लगते हैं ना, और आप मतलब आप पिक्चर्स क्लिक करते हो तो अच्छी आती है फोटोज, तो वो अच्छा आता है। अभी जैसे मैं आजकल, मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर स्कर्ट्स थी, अब वो सारी स्कर्ट्स मुझे होने लगे हैं, बिकॉज मैं पहले भी मेरा जो साइज था वो लार्ज एक्सेल में ही था, तो वो सारे तो कुछ तो बहुत ही लूज हो रहे हैं, तो वो अब मैं नहीं पहन सकती। बट जो मैंने अभी अपने वेट लॉस जब मेरा लास्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे मैंने जो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस ली थी, उनमें से भी अब आधी ड्रेसेस मुझमें होने लग गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी इतनी प्रिटी प्रिटी सी ड्रेसेस होने लगती हैं, आप उनको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हो। तो कोशिश करिए, आई एम श्योर आपका भी वेट लॉस जरूर हो जाएगा। जब मैं एक बच्चे के साथ में कर ले रही हूँ, मतलब दिन भर दिमाग में मेरे यही चलता रहता है, अरे यार करना है मुझे, एक्टिव रहना है मुझे, वॉक करना है, बच्चा सो रहा है तो थोड़ा सा आप योगा कर लें अगर आप भी मदर हैं तो मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे कि आपने लंच कर लिया, उसके बाद फोन पर अगर आप बात कर रहे हो तो 10 मिनट वॉक कर ली, वॉक करते करते बात कर ली, तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो को अब मैं फाइनली फिनिश कर रही हूँ। मुझे कमेंट में आप जरूर बताना आपको और क्या देखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज और, तो मेरा अभी तक के ओवरऑल 10 kg कम हो गया है। कब से मैंने स्टार्ट किया था, नवंबर 4th से December 4th, 2 months में मेरा 10 kg कम हो गया है, विच इज गुड। सो ठीक है, अभी तो फाइनल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो 2 month में 10 kg कम हुआ है। अब नेक्स्ट अपडेट मैं नेक्स्ट मंथ शेयर करूंगी। मीनवाइल जो भी दूसरी वेट लॉस रिलेटेड क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो इंडिविजुअल बनाऊंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, बाय।